शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किया केशव बाबू, एक लड़की के चक्कर में पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने। जो इंसान इस घर की इज्जत नहीं रख सकता, उस इंसान की इस घर में कोई जगह नहीं है। हो जाता तो अभी आप इनसे सॉरी बोलिए, वरना भगवान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। अरे ऐसे देख क्या रहे हो, बोलिए ना सॉरी। ने बिल्कुल सही कह रही है बच्ची। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। जो बड़ी गाड़ी वाले हैं, ऐसे गाड़ी चलाने का इनको लाइसेंस दिया है। ये लो गुड़ खाओ और फिर माफी मांगो, इससे माफी भी मीठी लगेगी। इनको तमीज ही नहीं है, सड़क पर चलने वालों का ध्यान ही नहीं देते। किसने लाइसेंस दिया आपको गाड़ी चलाने के लिए? जानबूझ के थोड़ी ना हुआ इतना, मतलब बच्ची पे थोड़ी ना चला रहे हो। सॉरी भैया सॉरी। कितनी बार समझाया तुम्हें गाड़ी धीरे चला, तुम्हारी मोटी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात घुसती नहीं है। उड़न कटोला समझ के बैठे हो कार को। आज इस बच्ची को कुछ हो जाता तो ये आप तक का गुनहगार है। जो सबक सिखाना है सिखाइए, लेकिन ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर इसके दिमाग में रहे। अरे गलती हमने तो बचाया। अरे रुकिए, छोड़ दीजिए उन्हें। अरे उन्हें लग जाएगी, रुकिए। माफ कर दो भाई। अरे माफ कर, कोई नहीं मारेगा इन्हें, कोई नहीं मारेगा। आपको मारना, आपको मारना है इन्हें। तो फिर ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, फिर आप लोगों को इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, पट्टी बंधवाने। बताइए ले जाएंगे ना? ठीक है इस बार माफ किया। चलिए ठीक हो ना? जल्दी चलोगे? गाड़ी निकालो जल्दी। हाँ अगली बार याद रखना। श्रवनी श्रवनी, हे बेटा श्रवनी, कहाँ चली गई श्रवनी? श्रवनी माँ बाबा आप यहाँ पर? कहाँ चली गई थी बेटा? हम तो भाई जी को बचा रहे थे। हे भगवान, बहुत तूफानी लड़की हो तुम, क्या जरूरत है दूसरों के मामले में दादी अम्मा बनने की? बाबा ही बोले हमें, इसे किसी के साथ गलत होता देखना अच्छी बात थोड़ी होती है, इसीलिए। तुम्हें बिगाड़ने में ना सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे बाबा का ही है। डरा दिया था हमें,
वहाँ बाबा रुद्राभिषेक के बाद ना बाजार जाएंगे और पता है हमें सपना आया था कि हम दूध जलेबी खा रहे। बदमाश, अच्छा ठीक है खा लेना, पर हम भी खाएंगे। हाँ हाँ जरूर, इधर चप्पल खोल दो। ये अजीब सी बदबू कैसी आ रही है? हाँ माँ, बदबू तो हमें भी आ रही है। अरे भाई साहब सुनिए जरा मेरी बात, जल की व्यवस्था हुई कुछ? अभी करता हूँ। टैंकर मंगवाइए जल्दी से जल्दी। चाचा चाचा ये बदबू कैसे आ रही है और क्या हो रहा है वहाँ? अरे बेटा कुएं में पशु डूब के मर गया है, पूरा पानी अशुद्ध हो चुका है, आज जल अभिषेक नहीं हो सकता। क्या हे भगवान, हमने तो हर साल इस मंदिर में आरती और जल अभिषेक की मन्नत ली थी, हर सालों से हमारी ये मन्नत कभी नहीं टूटी। पता नहीं आज शंभू जी हमसे क्यों नाराज हो गए हैं, अब बिना पानी के जल अभिषेक कैसे करेंगे हम? चलो आप लोग बैठो, परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। महादेव जी, हमारी माँ कह रही थी कि आप हम सबसे नाराज हैं। ऐसा क्या गलत किया हमने जो आप हम सबसे नाराज हैं? पता है हमारी माँ बहुत रो रही थी, आप हमारे उनकी मन्नत पूरी कर दीजिए ना प्लीज। जब हमारी माँ रोती है ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब जब तक आप हमारी माँ की प्रार्थना पूरी नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे एक पैर पे खड़े रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रवणी बेटा क्या कर रही हो, इस तरह से तुम्हारे पैर दुखने लगेंगे। आप क्यों बोल रहे, सुनने तो इनको चाहिए हमारी, इन्होंने हमारी माँ की मन्नत कैसे तोड़ दी। अब जब तक ये हमारी माँ की मन्नत पूरी नहीं करती हम तब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी साहसी बच्ची है, एक पैर पे खड़े होके शिव जी की प्रार्थना कर रही है। चैत्र माह में बारिश, ये तो चमत्कार है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो माँ बाबा, बारिश हो रही है, अब आप दोनों जल्दी से अपनी पूजा कर दीजिए। शावनी बेटा, शावनी। अरे कंपाउंडर अंकल, आप? बेटा, मैंने अपने हॉस्पिटल में आंख के डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ये पता चल सकता है कि तुम्हारे माँ बाप की आंखें ठीक हो सकती हैं या नहीं। क्या सच में हमारे माँ बाबों की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी? हाँ, जाँच के बाद पता चल सकता है, क्योंकि सर्जरी के बाद किसी किसी की रोशनी आ जाती है और कभी कभी तो डोनर की जरूरत पड़ती है। डोनर मतलब? डोनर मतलब जैसे कोई अपनी आंख किसी के लिए दान दे देवे, तो उसको डोनर कहते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो आप उन डॉक्टर अंकल को बोलो ना कि हमारी एक आंख हमारी माँ को और दूसरी आंख हमारे बाबा को। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए नाम दर्ज कराना पड़ता है। बहुत सी अलग तरह की फॉर्मेलिटीज हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने माँ बाप को हॉस्पिटल लेकर आ जाओ जांच कराने के लिए। और हाँ, 2000 रुपये भी ले आना, मगर जल्दी करना। दो हजार रुपये तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सठिया जी का चाचा। अरे अम्मा उठो, पोछा काहे लगा रही हो? किसने कहा तुमसे? अरे हमने कहा है, लेकिन हमारी अम्मा से पोछा। ये बात तो सुन लो, अम्मा को गठिया हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि यही एक इलाज है कि नीचे बैठ के पोछा लगाएं तभी घुटने खुलेंगे। अम्मा हमारी सास नहीं है, हमारी माँ है, हम तो इनका भी ना उठाने दें। देखियो अम्मा, हमारे लिए बैद ब्याह के लाई हो। जय बाबा गोरखनाथ। पता नहीं पिछले जन्म में हम का अच्छे कर्म किए रहे कि तुम हमका मिली। सत्य है ना अम्मा? अम्मा अम्मा, हम जो हैं आपकी वजह से, आपके बिना चंद्रा कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही अपने प्रेम में बावला बनाए रखना है तुम्हें, क्योंकि चंद्रा के नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं। वैसे हमारा घर का वारिस बंटी कहाँ है? बंटी बाबा। हाँ? आप खिलौना ले लीजिए, आपको जो चाहिए ले लीजिए। लो देखो बेटा। हेलो कैसी हो तुम? हेलो कैसी हो तुम? हेलो कैसी हो तुम? हेलो कैसी हो तुम? बोलने वाली गुड़िया,
हमें ये बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बेटा ये तो एक ही था, बिक गया। तो उससे हमें लेके दो। बेटा आपके लिए ये एक हफ्ते में हम दूसरा मंगवा के दे देंगे। नहीं हमें अभी चाहिए। और भी डॉलर ले लो। नहीं हमें वही वाली चाहिए। बंटी बाबा हमारी गुड़िया। सोना चांदी चमन प्रास। अरे मामा के रहते हुए भांजा इतना टेंशन काहे ले रहा है? हाँ? पूरे गोरखपुर में एक ही बोलने चलने वाली गुड़िया थी, बिका गई। पर हम तुम्हारे लिए स्पेशल दिल्ली से ऑर्डर किए हैं, समझे? दिल्ली से 3 दिन में तुम्हारे हाथ में होगी। नहीं हमें वो गुड़िया आज चाहिए और अभी चाहिए, वो भी बोलने और चलने वाली। सुना नहीं तुम लायक हो इसी के। कह रहा है आज चाहिए तो मतलब आज चाहिए, जाओ लेकर आओ। बंटी बेटे तुम्हारे मामा है ना, बड़े हैं, ऐसे बात नहीं करते, बुरी बात। क्या माँ जी 8 साल हो गए अभी भी अपने बेटे के मुंह में फोटो लिए टहल रही हैं इधर से उधर। एक काम कीजिए, उठाइए और दीवार पे जाके लगा दीजिए और चंदन का हार एक चढ़ा दीजिए। क्या पता अब है कि नहीं। बचाए थे पर कोई नहीं, अगर उससे हमारे अम्मा पापा की आंखें वापस आती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है।
हमें तो 500 रुपए और चाहिए, हम और पैसे कहाँ से लाएंगे? महादेव जी, सुबह भी आपने मुझे बचाया था, अब भी बचा लो ना प्लीज। अरे अब क्या होगा, वो बच्ची तो बीमार पड़ी है, अब फिर दुर्गा कौन बनेगी? और फिर इतनी जल्दी दूसरी बच्ची हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, एक काम करते हैं, बाजार चलते हैं और वहीं पूछ लेते हैं, 1000 रुपए मेहनताना अगर किसी को दिया जाएगा तो कोई ना कोई लड़की दुर्गा बनने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी। हाँ, ये उत्तम विचार है। हम बनेंगे दुर्गा। शेर पे सवार होके माता रानी आई है, शेर पे सवार होके माता रानी आई है, हाथों ने प्रेम से झांकी सजाई है, चारों तरफ जयकारा गूंजता सुनाई दे, चारों तरफ जयकारा गूंजता सुनाई दे, भक्तों ने ऐसी पुकार लगाई है, शेर पे सवार होके माता रानी आई है, भक्तों ने प्रेम से झांकी सजाई है। वरना भगवान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। रूप है सामन को मोहे, ओढ़ के गोटेदार चुनरी आई है, ओढ़ के गोटेदार चुनरी आई है, हाथों ने प्रेम से झांकी सजाई है, शेर पे सवार होके माता रानी आई है, हाथों ने प्रेम से झांकी। माता के त्रिशूल से तो महिषासुर का संहार होते हुए हमने देखा सुना है, इस असुर आपके हाथ में आके कैसे गड़ गया? राम जी से अच्छी शकल ना ले पाए, अक्कल तो ले लेते। अच्छा अच्छा, ये बताओ आप ढूंढ कर रही हो, ऐसा का मिल गई? वो लड़की मिल गई, वो जो बोलने वाली गुड़िया, वो जो दुर्गा माता बनी थी। कहाँ मिल गई? वो जो दुर्गा माता बनी थी। कहाँ गई वो लड़की? दुकान बंद करके कहाँ लेके जा रही हो हमें? मेले में। पर बेटा, मेले में जाकर हम लोग करेंगे क्या? अरे हमारा ध्यान रखोगे, हम गुम हो गए तो? बदमाश,